हमें अत्यंत हर्ष है कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी आज 15 नवंबर को जनजाति दिवस करके घोषित किए हैं। जनजाति की जो संस्कृति है इसको अक्षुण्य बनाए रखना है, क्योंकि जनजाति की जो संस्कृति है ये विश्व के लिए एक अमूल्य संपदा है। हजारों वर्षों से जनजातीय संस्कृति जीवित रहा है भारत देश में। आधुनिकता के साथ साथ ये पुरातन जो जनजातीय संस्कृति है इसको बचाए रखना, इसमें जो खूबी है, इनका नृत्य है, कला है, इनकी जो कुशलता है, क्राफ्ट्स है, इन सब को हमें बढ़ाना चाहिए, इस पे हमें गर्व करना चाहिए। भारत में जितनी वैविध्यता है जनजाति की संस्कृति में, ऐसी हम कहीं नहीं देखते। ये फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक अन्य देशों में भी है, वो भी उसको काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, पर भारत की जो संस्कृति ये अति विशिष्ट है, क्योंकि आज भी वो अपने मूल रूप में जीवित है। जनजाति की संस्कृति की जो भाषा है, उनके गीत है, क्राफ्ट्स है, कला है, इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और इसकी जो अमूल्य देन है भारत को और विश्व को, इसको बनाए रखना और इस पर गर्व करना अति आवश्यक है। पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए और ट्राइबल एरियाज़ में बहुत कुछ काम चला है। सड़कें बन गई हैं, स्कूल्स बन गए हैं, बिजली उपलब्ध हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से हम बधाई देते हैं कि वो आज जनजाति दिवस की घोषणा जो किए, इससे भारतीय जनजातियों के गौरव आपने बढ़ाया है। मैं भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के इस कदम को स्वागत करता हूँ। मैं भारतवासियों से ये अनुरोध करता हूँ, वो भारतीय जनजाति संस्कृति पर गर्व करें और इसके प्रोत्साहन के लिए आगे कदम रखें। हम सब मिलकर के भारत की श्रेष्ठता को अक्षुण्य बनाए रखते हैं। ओम शांति, जय हिंद।